यहाँ पर बहुत फेमस फूड है यार। अभी बहुत ही बैड सीन हो गया है, हम लोगों ने चिकन ले ली थी, हमने सोचा कि प्लेट सजाएंगे बहुत खूबसूरत मंडी वाली, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई है। इंशाल्लाह तबारक अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा का देखें मौसम कैसा ज़बरदस्त है, खूबसूरत मज़ेदार बारिश हुई है। अभी मेरी गाड़ी भी सही भीग गई है, लेकिन इसका ये फ़ायदा हुआ है कि ऊपर से जो कबूतर अपना काम करते थे ना वो धुल गई है। लेकिन अभी इसके टायर के लिए मैं जा रहा हूँ, इस टायर में इशू हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा नीचे हुआ है, ये टायर बनवाना है मैंने। और जो हालात हमारे फ़लस्तीन के चल रहे हैं, ज़रूर आप लोगों से गुजारिश है दुआएं उनके लिए करें। और इसके अलावा आज हम लोगों ने शाम को बल्कि रात को जाना है हमारे मेहमानों के पास, इशा के बाद हमारे अबरार भाई आए हैं पाकिस्तान से, और भी साथ में मेहमान हैं, तो उनके साथ कोई मंदी वंदी का प्रोग्राम है, उससे पहले थोड़ा सा गाड़ी सेट करवा लें। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद, और इस खूबसूरत मौसम में आपको मक्कतुल मुकर्रमा में खुश आमदीद। अभी एक महीना पहले मैंने वेपर नए डलवाए हैं, अभी से ये ना यहाँ पर निशान डालना इन्होंने शुरू कर दिया, तो अब बारिशें भी स्टार्ट हो रही हैं, अल्लाह खैर करे। हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा में बारिशें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इस वजह से बारिश को तो हम लोग जितना इंजॉय करते हैं ना आपको क्या ही बताएं। ये हम लोग पहुंच गए भाई, इसको पंचरी कहते हैं, यहाँ पर पूरा टायर और ऑयल चेंज गाड़ियों का सब कुछ यहाँ पर होता है। ये उठाई जा रही है भाई हमारी गाड़ी, मगरिब की अजान हो गई है, और जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पर नमाज के टाइम पे बिजनेस बंद कर देते हैं अक्सर, ख़ास तौर पे मक्कतुल मुकर्रमा में तो तकरीबन 95% लोग जो है ना दुकानें बंद कर देते हैं। जैसे देखें ये दुकान बंद है, तो नमाज के बाद वहाँ पर जाएंगे। नमाज हो गई, टायर चेंज हो गया, और नमाज के लिए मैं गया, मैंने उनको कहा कि नमाज के बाद थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो थोड़ी देर बाद आया, टायर वायर तैयार, गाड़ी ले ली है। और अब आपको बताते हैं आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है फौरी की तरफ से। फौरी आप जानते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर सऊदी अरेबिया की मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, अब उन्होंने बोनस देना शुरू किया है। पाकिस्तान में अगर आप एमसीबी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वहां पर जितने भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके ऊपर 1000 रुपये का बोनस मिलेगा आपको। इसके अलावा उनका गारंटीड एक्सचेंज रेट होगा, जो कि आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट इस टाइम पे मार्केट में मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र फ़ीस भी सिर्फ 5 रियाल ही पड़ेगी। तो इस बार जब आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो फौरी की कोई भी ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उनकी ऐप का, आप ऐप भी इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे दोस्त आ गए हैं भाई साहब मक्कतुल मुकर्रमा में, हमारे अबरार भाई हैं और साथ में दूसरे भी दोस्त हैं सब, और प्रोग्राम बन गया है मंदी का। मैंने उनको इनवाइट किया था खाने पर, तो आखिर में डिसाइड हुआ कि मंदी खाएँगे, तो हम लोग जा रहे हैं मस्जिदुल हराम के पास, अपने दोस्तों को पिक करेंगे और सीधे ही जाएंगे मंदी की तरफ। अब भाई यहाँ से गुजरते हुए, ये मेरे बचपन में एक चीज़ मैं खाता था, फरमोजा मंतू जिसको कहते हैं, और वो हमारे पुराने मोहल्ले में होती थी शॉप, लेकिन अब बन गई यहाँ पर, तो ये रास्ते से ले लेता हूँ। ये फरमोजा है भाई, ये यहाँ पर बहुत फेमस फूड है, वैसे तो बुखारा से है ये, उज़्बेक से है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत फेमस है। चले भाई हमारा फरमोजा आ गया, वो उन्होंने एक नया किस्म का फरमोजा इनके पास आया था, वो उन्होंने मुझे ट्राई करवाया है, वो कह रहे थे कि ये स्पाइसी है, लेकिन जो ओरिजिनल इसका टेस्ट है ना, वो ओरिजिनल चीज़ आज मेहमानों को तो खिलाएंगे ही, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। हम लोग तहसीर में रहते थे जरवल में, वहाँ पर ये होते थे, तो मुझे बेहद पसंद थे, हम लोग अक्सर खाते रहते थे। इसको अंदर से देखें, इसको फरमोजा कहते हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसमें से धुआं निकल रहा है, वाह बिस्मिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ क्या नाम है अपना, असल में मुझे भूख इतनी शदीद लगी हुई है ना कि मेरे से सब्र नहीं हो पाया, मैंने कहा मेहमानों को भी चखाएंगे फरमोजा और ख़ुद भी ले लूं। और इस एरिया में था मैं इस टाइम पे, जहाँ पर ना मेरा बचपन गुजरा है, वो वाली शॉप यहाँ पर बनी हुई है, वो वहाँ से जो टूट गई थी जरवल से। बिस्मिल्लाह,
ये टमाटर वाली चटनी होती है भाई, ये एक रियाल की आपको लेनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। देखें आह, भर के यूँ खाएं और नेक्स्ट लेवल इंजॉय करें इसमें, बहुत मज़ेदार। इसके अलावा एक और चीज़ भी दी है हमने, जिसको कहते हैं मंटू। आह हाँ हाँ, देखें इसके ऊपर काली मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने डाल के दी हैं। मोमोज होते हैं ये, मोमोज ये मंटू कहते हैं इसको, सेम चटनी के साथ। हालांकि इसके साथ चिली सॉस लगाना चाहिए, लेकिन ये चटनी भी चलती है, नो इश्यूज, सुपर डिलीशियस। अभी मैं इस तरफ ज़हरत कुदई की तरफ आया हुआ था, जहाँ पर कुदई भी है, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना, ये ज़हरत कुदई है, और वो सामने जो पहाड़ है वो गारे सौर है। موعدٌ للقاء من هنا أشرقا چلیں جی خواتین و حضرات، ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوائن کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ملیں اس بھائی کو، کیسے ہیں آپ؟ حیران ہو گیا میری سلیکشن ہو گئی جناب۔ ہمارے ہر دل عزیز ابرار بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اور واصف بھائی، اور عمیر بھائی، یاسر بھائی، جس بھائی پہ کیمرہ کیا تھا ان کا نام نہیں آتا مجھے، صبور بھائی، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھائی جو چیز آپ کو کھلائی ہے نا، اس کا نام ہے فرموزہ، بہت پیاری ہے۔ اور جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، ادھر مکہ میں تھا، ہمارے گھر کے پاس تھی اس کی شاپ، تو تب سے میں کھا رہا ہوں۔ اب انہوں نے شاپ بنا دی ہے بڑی دور، تو آج کافی عرصے بعد اس طرف گیا تھا تو میں نے لے لیا۔ فرموزہ وت ایف، کیا بات ہے، بڑے کم لوگ کر پاتے ہیں۔ یہ منتو، منتو ہاں، اس کدو والی سائڈ میں ملتے ہیں نا یہ۔ ہاں جی، یہ جگہ ہے بھائی جہاں پر ساری بندی بنتی ہے۔ اور اس طرف آگے ہونا بھائی، یہ پوری مندیاں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، مکس کریں یا ٹوٹل مندی کریں؟ ایکسپرٹ آپ ہیں، جیسے پچھلی بار اس نے بڑی اچھی دی تھی ہمیں، جب وہ آیا تھا اچھی دے گا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن ہیڈ آپ نے کھانا ہے، نہیں ہیڈ ہم ویڈیو بنائیں گے، ہیڈ آپ کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں اس کو ہیڈ، سردار آپ ہی ہیں، کس قبیلے کے سردار فرید بھائی ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہاف ہم لوگ چکن لے رہے ہیں، یہ انگارے والی، یہ یہاں پر پوری انگارے والی بن رہی ہے، اس کو فہم کہتے ہیں، اور ہاف لیں گے ہم لوگ یہ مذبی جو پتھر پہ بنا کے دیتے ہیں چکن، یہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ لینا بھائی، ساسا کی خبر، ہلو۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کو مذبی کہتے ہیں، یہ ہاف لے رہے ہیں اور ساتھ میں مٹن۔ اس بار ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا نا ہماری جو پلیٹ بنوائیں گے اس میں مٹن اور چکن دونوں آپشنز ہوں۔ ہم تو سب کھا رہے ہیں ویسے، تو بھی آپ کی بڑی زبردست، یہ عمان سے تھی۔ اچھا، میں نے سوچا یہ ٹریڈیشنل ہو، ہاں تو وہاں پہ میں نے ٹوپ لی تھی، نسوا گیا تھا تو وہاں پہ میں نے ان سے سلوائی تھی۔ اچھا، تو اس کے ساتھ یہ پہن کے نا، ایک بلاگ بھی بنایا تھا، اسپیشلی کوشش ہوتی ہے جس ایریے میں جائیں وہاں پہ اگر کوئی ان کا لوکل ڈریس ہے تو وہ پہننے کا موقع مل جائے۔ ٹریڈیشنل کھانا اور ٹریڈیشنل ڈریس، سمجھ لیں، تھوڑا سا لوکل بھی نا خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے کلچر کیوں نا رسپیکٹ دیں۔ یار ابھی بہت ہی بیڈ سین ہو گیا ہے، ہم لوگ نے چکن لے لی تھی، ہم نے سوچا کہ پلیٹ سجائیں گے بہت خوبصورت مندی والی، لیکن پرابلم پتہ کیا ہوئی ہے کہ مندی ختم ہو گئی بھائی، بالکل ختم۔ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ اوپر بیٹھے تھے انتظار میں کہ پلیٹ آئے گی، لیکن ابھی ابرار بھائی ان کو لینے گئے ہیں۔ ہم لوگ دوسرا کوئی ریسٹورینٹ دیکھتے ہیں، یا تو اونٹ کا گوشت کھائیں گے یا مندی ہی کھائیں گے کسی اور ریسٹورینٹ سے۔ لیکن مت بکری یاد میں یار، ایک گھنٹے کے اندر 25 بکرے ختم ہو گئے۔ سب سے اچھی مندی ہے، بہت زبردست مندی ہے یار، ان کی بیسٹ مندی ہے، اس کے بعد اب دوسری پسند نہیں آتی ہمیں۔ تو بتائیں مندی کوئی دوسری سیکنڈ آپشن والی چلائیں یا اونٹ کا گوشت چلائیں؟ سیکنڈ آپشن ٹھیک ہے، چلیں۔ تو بھائی اب سیکنڈ آپشن مکہ المکرمہ میں جو سیکنڈ لیول پہ مندی آتی ہے ریحان، اس کے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ ریاض پہ آج ہمارا بہت ہارڈ لک ہوا، حالانکہ ڈھائی تین گھنٹے ان کی چلتی ہے، لیکن آج تو ایک گھنٹے میں ہی فنش ہو گئی۔ انشاءاللہ دماغ اچھا رکھا۔ تو یہ ریحان کی نئی برانچ ہے، لیں بھائی ہماری مندی آ گئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ اس طرف بھائی ہمارے پاس ہے مذبی چکن، یہ پتھر پہ بنی ہے، اور وہ ہے فہم انگارے پہ بنی ہے، اور یہ ہے مندی، یہ لبن ہے۔ آپ کو لبن بہت پسند ہے نا؟
पतला कर दिया जैसे भी इधर अभी मैंने किया। अच्छा, थोड़ा सा हमने नोट किया था कि ये पतला हो गया, वरना पहले ये पानी मिलाते थे, इस दफा पानी नहीं मिलाना पड़ा। ये तो है, चेंज हो गया, लेकिन मिलावट ये बड़ी मजे की। बिस्मिल्लाह करें। मैं पूछ रहा था मदफून, मदफून मदफून वो गोश्त होता है दफन हुआ हुआ, मतलब दफन करके पकाते हैं उसको, लेकिन वो ओवन में ही बनाते हैं चावल के साथ ही। इनका सारा सिस्टम चावल के साथ है। तो ये भाई यहाँ पर टमाटर वाली चटनी के साथ खाएं, मज़े उसके साथ। ले सर इस तरफ, ये जो है ये तेज मिर्ची, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत तेज होती है, बहुत तेज। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, हाँ हाँ, क्या बात है। ये मेहमानों के कंधे पे बंदूक करके यहाँ चला रहा हूँ। इसमें बंगाली बंगाली तो वैसे ही करते हैं, अरबी तो बकायदा उसको ना यूं स्क्वीज करते हैं। हाँ, चलें जी, हमारे मेहमानों को वापस मस्जिदुल हराम के पास उनके होटल में छोड़ दिया है मैंने, और आ गया हूँ ख़ास तौर पे मंडी को। हम लोगों ने मिलके एंजॉय किया, बहुत सारी गप्पें लगाई, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे भाई। ونشع السنا من حولنا ملأت دنا عنا فرض يا إلهنا يا الله وهنا شع السنا من حولنا ملأت دنا عنا فرض يا إلهنا يا الله